अभी रेडी जाओ सर, ये सर माइक थोड़ा सा नीचे कर दीजिए, माइक नीचे ठीक है थोड़ा सा मेरे वाले को नीचे कर दीजिए, माइक बहुत ज्यादा है ठीक है। पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली की जनता ने, देश की जनता ने पार्टी को दी थी और कहा था भी तुम ये संभालो। तो दिल्ली की जनता के सामने साफ साफ दो मॉडल्स ऑफ गवर्नेंस हैं और आने वाले 8 फरवरी के चुनाव में दिल्ली की जनता को तय करना है कि दिल्ली के लिए और देश के लिए कौन सा गवर्नेंस का मॉडल सही है। सो ये अभी आपको डिटेल में भी दे देंगे, लेकिन इसमें जो मोटी मोटी थोड़ी सी बातें हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। नगर निगम के भी स्कूल हैं, दिल्ली सरकार के भी स्कूल हैं। नगर निगम प्राइमरी स्कूल चलाता है, हम लोग सेकेंडरी स्कूल चलाते हैं, ऊपर वाले स्कूल चलाते हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल चलाते हैं। एक तरफ जहां पिछले 9 साल में नगर निगम के 109 स्कूल बंद हो गए, 2011 से 2019 के बीच में नगर निगम ने, एमसीडी ने 109 स्कूल बंद कर दिए, वहीं पिछले 5 साल में दिल्ली सरकार ने लगभग 20,000 नए क्लासरूम बनाए हैं स्कूलों के अंदर। 20,000 क्लासरूम का मतलब है लगभग 500 नए स्कूल खोलने जितना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है। नगर निगम के स्कूलों में पिछले 9 साल में 2.5 लाख बच्चे कम हो गए। 2011-12 में 9,85,000 बच्चे थे नगर निगम के स्कूलों में, 2018-19 में रह गए 7,32,000। स्कूलों की हालत इतनी खराब थी कि लोगों ने अपने बच्चों को एमसीडी के स्कूलों में भेजना बंद कर दिया। 2.5 लाख बच्चे कम हो गए। दिल्ली सरकार के स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ी है और लोग प्राइवेट स्कूलों से अपने बच्चों को निकाल निकाल के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। नगर निगम के स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बुरा हाल है। आज 21वीं सदी के अंदर जब भारत देश पूरी दुनिया से कम्पीट करने की एक इच्छा रखता है और कोशिश कर रहा है, नगर निगम के स्कूलों के अंदर आज भी बच्चे नीचे दरी के ऊपर, फर्श के ऊपर, टाट के ऊपर बैठ के पढ़ाए जाते हैं, जबकि दिल्ली सरकार के स्कूलों के अंदर प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा रहा है। स्विमिंग पूल्स बनाए जा रहे हैं, लिफ्ट्स बनाई जा रही हैं, स्पोर्ट्स का शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा रहा है और नगर निगम के स्कूलों के अंदर पढ़ाई का स्तर ऐसा है कि 5वीं क्लास पास करके बच्चा 74%, कोई स्टडी है जो कहती है 74% बच्चे जो नगर निगम के स्कूलों से 5वीं पास करके बाहर निकलते हैं वो हिंदी की सिंपल लाइन नहीं पढ़ पाते। दिल्ली सरकार के स्कूलों के 12वीं क्लास के नतीजे जो हमारे बच्चे पढ़ के निकलते हैं उनके प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा बेहतर नतीजे आए हैं। प्राइवेट स्कूलों के 93% नतीजे और दिल्ली सरकार के 96% नतीजे आए हैं। ये है आम आदमी पार्टी का मॉडल ऑफ गवर्नेंस और भारतीय जनता पार्टी का मॉडल ऑफ गवर्नेंस। उसके बाद आप सब लोग जानते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को कूड़ा बना दिया, कूड़ा घर बना दिया। पूरी दिल्ली में कहीं चले जाओ इनके ढलाव नजर आते हैं, जो कि पूरे दिल्ली के लिए, देश के लिए, देश की राजधानी के लिए, हर भारतीय के लिए एक बहुत ही शर्मनाक बात है। पूरे दिल्ली के अंदर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जहां देखो वहां ढलाव। भारतीय जनता पार्टी और नगर निगम ने पूरी दिल्ली को कूड़ा घर बना दिया, कूड़ा कूड़ा कर दिया। इट इज नोन एज गार्बेज कैपिटल ऑफ इंडिया। शर्म आती है। जो इनका अपना स्वच्छ भारत है, 49 देश के सबसे बड़े जो शहर हैं उसमें बॉटम 10 के अंदर दिल्ली का नगर निगम आता है। जो प्रधानमंत्री जी का अपना कार्यक्रम था स्वच्छ भारत का, उसको भी ठीक से भारतीय जनता पार्टी ने अपने नगर निगम में लागू नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा तोहफा दिल्ली को है वो जो गाजीपुर का जो पहाड़ है कूड़े का,
वो अब ताजमहल की हाइट से भी ऊंचा होने वाला है। बहुत जल्दी उसकी हाइट जो है वो ताजमहल से भी ऊंची हो जाएगी, 240 फुट से ऊंचा हो जाएगा। ताजमहल की हाइट 240 फुट है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, एक चिंता जताई है कि इतना ऊंचा हो जाएगा कि हवाई जहाज को कहीं उससे टकरा ना जाए, इसलिए उसके ऊपर अब रेड लाइट लगानी पड़ेगी उस कूड़े के पहाड़ के ऊपर, इतना ऊंचा हो जाएगा। केवल दिल्ली का 40% कूड़ा जो है वो प्रोसेस होता है, बाकी सारा का सारा कूड़ा जो है वो लैंडफिल साइट्स पे जाता है। 80-90% जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं नगर निगम के, उनमें ना बिजली है ना पानी है, उनमें ना चौकीदार है ना मेंटेनेंस करने वाले हैं, उनमें से कई सारे बंद पड़े हुए हैं। जबकि पिछले 5 साल में हमारी सरकार के दौरान दुसिब ने, दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड जो दिल्ली सरकार के तहत आता है, हमने 20,000 नए पब्लिक टॉयलेट्स बनवाए हैं। आप चल के देखिए, ये तस्वीरें हैं हमारे टॉयलेट्स की और ये तस्वीरें हैं भारतीय जनता पार्टी के मॉडल की। हमारे वाले जो मेंटेन्ड हैं आप उनमें जाके देखिए, इतने साफ सुथरे और इतना अच्छे मिलेंगे आपको। ये मैं नहीं कह रहा, दिल्ली का बच्चा बच्चा कहता है कि एमसीडी का फुल फॉर्म मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट है, इतना भ्रष्टाचार, इतना भ्रष्टाचार। और दिल्ली का बच्चा बच्चा क्या, भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है कि जब विजय गोयल जी से कुछ दिन पहले पूछा गया तो विजय गोयल ने कहा, आप मुझसे कहोगे एमसीडी कैसी है, मैं कहूँगा चोर है, यही लिखा हुआ है, उन्होंने खुद बोला है विजय गोयल जी ने। मुझे कोई इनकार नहीं है, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ, आप मुझसे कहोगे एमसीडी कैसी है, मैं कहूँगा चोर है, मुझे कोई इनकार नहीं है। तो भाई साहब, 15 साल राज करने के बाद आपको इसमें गर्व की क्या बात है, इसमें मतलब कुछ कर क्यों नहीं रहे आप? 15 साल से आपका राज है एमसीडी के अंदर और आप कह रहे हो मैं इनकार नहीं कर रहा, चोर है एमसीडी, तो कुछ करो ना फिर, कौन करेगा आके? दिल्ली की जनता ने आपको 3 बार वोट देके आपको जिताया, फिर क्यों नहीं कर रहे? एक डेटा ये है कि शायद नॉर्थ एमसीडी में 230 टोटल इंजीनियर हैं, जिसमें से केवल 17 ऐसे हैं जिन पे चार्जशीट नहीं है, बाकी सब पे चार्जशीट है। एमसीडी का अपना इंटरनल ऑडिट जो है वो इंटरनल ऑडिट दिखाता है कि साउथ एमसीडी पे 1,177 करोड़ रुपए के आउटस्टैंडिंग एरियर हैं प्रॉपर्टी टैक्स के, 1,177 रुपए करोड़ रुपए के आउटस्टैंडिंग प्रॉपर्टी टैक्स के एरियर है। एरियर क्यों है, उनकी रिकवरी क्यों नहीं की जा रही, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सबको मालूम है कि उनकी रिकवरी क्यों नहीं की जा रही। नॉर्थ एमसीडी के चीफ ऑडिटर ने 3,299 करोड़ रुपए के फाइनेंशियल घोटाले निकाले हैं, हम नहीं कह रहे, उनका अपना चीफ ऑडिटर नॉर्थ एमसीडी का कहता है 3,299 करोड़ रुपए के फाइनेंशियल घोटाले हैं। और आप पूरी दिल्ली के अंदर जहां देख लीजिए, इलीगल होर्डिंग लगे हुए हैं एडवर्टाइजिंग के, इलीगल टावर लगे हुए हैं टेलीफोन के, इसका कोई अंत नहीं है, कोई हिसाब नहीं है। शायद एमसीडी देश का उन चुनिंदा नगर निगमों में से है जो अपने स्टाफ की तनख्वाह नहीं दे पाता टाइम पे, कई कई महीनों तक स्टाफ को तनख्वाह नहीं मिल रही है। और ये इसके बावजूद कि दिल्ली सरकार ने नगर निगम को हमारे आने के पहले 2013 में कांग्रेस की सरकार थी, 2014 में बीजेपी की सरकार थी जब राष्ट्रपति शासन था, उस दौरान नगर निगम को जितने फंड दिए गए उससे कहीं ज्यादा फंड हम लोगों ने उनको दिए हैं। इतने फंड लेने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी का ये हाल है। और जबकि आम आदमी पार्टी की सरकार आज देश का बच्चा बच्चा कहता है कि सबसे ईमानदार सरकार है। हमने डोरस्टेप डिलीवरी सर्विसेज शुरू की, जहां लोगों को पहले लाइनों में लग के दलालों के चक्कर काट के रिश्वत दे के अपने काम कराने पड़ते थे, आज घर बैठे फोन कॉल के ऊपर बिना रिश्वत दिए आपका काम होता है। हम आम आदमी पार्टी की सरकार हर सरकारी प्रोजेक्ट के अंदर पैसे बचा रही है। जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि हर फ्लाईओवर जो बनता है, जैसे वजीरपुर वाला फ्लाईओवर 325 करोड़ का बनना था, हमने 200 करोड़ में बना दिया। इसी तरह 100 करोड़ रुपए एक फ्लाईओवर में बचा लिए,
इसी तरह से हर काम के अंदर हम पैसे बचा रहे हैं, हर काम के अंदर पैसे बचा रहे हैं। और हम नहीं कह रहे, सीएजी ने दिल्ली सरकार का ऑडिट करने के बाद कहा है कि दिल्ली सरकार पूरे देश की अकेली सरकार है जो नफे में चल रही है, और दिल्ली सरकार पिछले 5 साल से नफे में चल रही है, और हमारे से पहले दिल्ली सरकार हमेशा घाटे में चलती थी। तो एक तरफ एमसीडी है जो इतनी भ्रष्टाचारी है, और एक तरफ दिल्ली सरकार की जो इतनी ईमानदारी से काम कर रही है। उसके बाद नगर निगम के अस्पतालों पे आते हैं, ये दिल्ली सरकार के अस्पतालों की तस्वीरें हैं, ये नगर निगम के अस्पतालों की तस्वीरें हैं। पिछले 7 साल में नगर निगम की एक भी एडिशनल डिस्पेंसरी नहीं बनी। नगर निगम के अगर अस्पतालों में चले जाओ, दीवारें टूटी पड़ी हैं, छतों से प्लास्टर गिर रहे हैं, दवाइयां नहीं हैं, कॉरिडोर में गंदगी फैली हुई है, टॉयलेट सड़ रहे हैं, और दिल्ली नगर निगम का, तीनों नगर निगम का मिला के हेल्थ का बजट पिछले 2-3 साल के अंदर 97 करोड़ रुपीज कम हुआ है बढ़ने की बजाय। उधर दिल्ली सरकार ने 450 नए मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, 26 नए पॉली क्लिनिक बनाए हैं, और 7200 पहले बेड होते थे, 10,000 बेड बन चुके हैं, ये 20,000 बेड होने जा रहे हैं अगले 2 साल के अंदर, जिसका सबका उद्घाटन हो चुका है और सारी कंस्ट्रक्शन चालू हो चुकी है। मोहल्ला क्लिनिक्स के अंदर, हमारे अस्पतालों के अंदर सारे एयर कंडीशन बन गए हैं, और स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज सारे अस्पतालों में और मोहल्ला क्लिनिक्स में दी जा रही है, जिसकी चर्चा और जिसकी तारीफ पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। और हेल्थ बजट हमारा 3,500 करोड़ से बढ़ के 7,500 करोड़, डबल से भी ज्यादा हो गया। और जो जो बीजेपी ने वादे किए थे, मुझे याद है बीजेपी के बहुत बड़े नेता ने पिछले एमसीडी चुनाव के पहले कहा था कि जीतने के 3 महीने के अंदर दिल्ली को ढलाव मुक्त कर देंगे, एक भी ढलाव नहीं बचेगा। मुझे तो नहीं लगता एक भी ढलाव बंद किया है उन्होंने 2.5 साल के अंदर। एमसीडी चुनाव के बाद उन्होंने कहा था करप्शन फ्री कर देंगे, उन्होंने कहा था सोशल सिक्योरिटी कार्ड देंगे सारे गरीबों को, मुझे नहीं लगता एक भी उन्होंने वादा पूरा किया। जबकि आम आदमी पार्टी ने अपने सारे वादे पूरे किए, सब वादों से ज़्यादा पूरा किया, 100 में से 200 नंबर आज आम आदमी पार्टी को मिल रहे हैं। हमने तो ये कहा नहीं था कि हम बस राइड फ्री करेंगे, फिर भी कर दी। हमने तो कहा नहीं था कि 200 यूनिट फ्री करेंगे, फिर भी कर दी। हमने तो कहा नहीं था तीर्थ यात्रा कराएंगे, फिर भी करा दी। तो जितने मैनिफेस्टो में वादे थे, उन सारे वादों के बाद, उन सारे वादों से कहीं ज़्यादा पूरा कर दिया। ये नगर निगम की दिल्ली है, भारतीय जनता पार्टी की कारस्तानी है ये, कूड़ा चारों तरफ, कूड़ा ही कूड़ा, कूड़ा ही कूड़ा इन्होंने बीजेपी वालों ने कर दिया। ये एमसीडी की बात बताई, यही हाल दिल्ली पुलिस का है। आप दिल्ली पुलिस में थाने में चले जाइए रिपोर्ट लिखाने के लिए, 90% चांसेस आपकी रिपोर्ट्स नहीं लिखी जाएंगे। पिछले कुछ दिनों के अंदर दिल्ली के अंदर जो भी हालात हुए, हिंसा हुई, आप सब लोगों ने दिल्ली पुलिस का रोल देखा। आज दिल्ली के लोगों से बात कर लीजिए, दिल्ली के लोगों को तय करना है कि दिल्ली पुलिस, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली पुलिस का शासन उनको अच्छा लगता है कि दिल्ली सरकार के स्कूल और अस्पतालों का शासन उनको अच्छा लगता है, और वही हाल DDA का है। तो आज दिल्ली के सामने दो मॉडल्स हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि 8 तारीख को जब लोग चुनाव देने में वोट डालने के लिए जाएंगे, तो वो आम आदमी पार्टी के गवर्नेंस मॉडल को भारी बहुमत के साथ सपोर्ट करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई दिल्ली वाला ये नहीं चाहता कि सारी दिल्ली की हालत MCD और दिल्ली पुलिस की तरह बन जाए। सब चाहते हैं कि जो अच्छा काम शुरू हुआ है स्कूलों में, अस्पताल में, बिजली में, पानी में, सड़क में, सीवर में, वो अच्छा काम जारी रहे। जाहिर है कि जैसे हमने स्कूल अच्छे कर दिए, जैसे हमने अस्पताल अच्छे कर दिए, मैंने एक बार पहले भी कहा था, जो कुछ घटनाक्रम चल रहा है इसमें दिल्ली पुलिस का दोष नहीं है। अगर आप दिल्ली पुलिस के सिपाहियों को बोलोगे देखो उधर मारपीट होने दो, तुम अंदर नहीं जाओगे, तुम बाहर खड़े रहना, तो वो बेचारा अंदर कैसे जा सकता है? उसको तो सस्पेंड कर देंगे, उसको ऊपर से आदेश है, ऊपर से आदेश आता है कि वहाँ पे हिंसा हो रही है, उसको रोको, तो दिल्ली पुलिस जान की बाजी लगा के उसको रोकती है। उनको आदेश आता है हिंसा होने दो, होने के बाद उनको निकल जाने दो,
और जब निकल जाए फिर तुम अंदर जाना, तो बेचारा वही करता है। एक मिनट। तो दिल्ली में शिक्षा में स्कूलों के अंदर जब हमने टेक ओवर किया था, जो टीचर्स थे उन्हीं टीचर्स से हमने ठीक किया, जो अस्पतालों में डॉक्टर थे उसी से हमने ठीक किया। हमारे 55,000 टीचर्स को हमने बदला नहीं, टीचर्स बहुत अच्छे थे, उनको कभी मौका नहीं दिया गया, पॉलिटिकल विल नहीं थी। आज दिल्ली पुलिस को अगर आप ये आदेश दो कि दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना है, चोरियां नहीं होनी चाहिए, ये सब बलात्कार नहीं होने चाहिए, आप देखिए करके दिखाएंगे। ऊपर से आदेश अगर ये आता है कि आपको हिंसा रोकनी नहीं है, आपको लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं करना, तो बेचारे पुलिस वाले क्या करेंगे? अगर वो ऊपर से जो इनफॉर्मल आदेश आते हैं उसको नहीं मानेंगे तो फिर उनकी तो नौकरी चली जाएगी। सब्सिडी। सो मैंने उनसे पूछा था, जैसे हम उन्होंने स्पेसिफिकली शायद लिखा था या आप ठीक कर देना, उन्होंने कहा शायद बिजली और पानी में हम 5 गुना देंगे, तो बिजली में हम 200 यूनिट फ्री देते हैं, तो क्या वो 1,000 यूनिट बिजली फ्री देंगे? पानी में हम 20,000 लीटर पानी मुफ्त देते हैं, तो क्या वो 1,00,000 लीटर पानी मुफ्त देंगे? और जरा सा बता दें, हरियाणा में कितना मुफ्त बिजली पानी देते हैं, उत्तर प्रदेश में कितना मुफ्त बिजली पानी देते हैं? चलो छोड़ो नहीं देते, अब दिल्ली के चुनाव के पहले हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बिजली और पानी मुफ्त कर दे, दिल्ली की जनता उनका यकीन कर लेगी। कोर्ट में केस चल रहा है आप मुझे ओपिनियन पोल एक दिशा बता सकते हैं, एग्जैक्ट सीट्स नहीं बता सकते। ओपिनियन पोल ये दिखा रहे हैं कि दिल्ली के अंदर लोग आम आदमी पार्टी का गवर्नेंस मॉडल चाहते हैं, दिल्ली के अंदर लोग ये चाहते हैं कि दिल्ली में स्कूल और अस्पताल एमसीडी जैसे ना बने, भारतीय जनता पार्टी के जैसे ना बने। तो दिल्ली के लोग चाहते हैं कि जो विकास की गाड़ी चालू हुई है उसको जारी रखा जाए चुनाव के बाद भी। तो दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी की सरकार दोबारा बनाने का मन बना चुके हैं ऐसा लगता है, और भारी बहुमत देंगे। कितनी सीटें आएंगी ये दिल्ली के लोग तय करेंगे। सब्सिडी जो है वो हर साल दर साल होती है, जैसे हर साल इसको रिपीट किया जाता है। तो मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं कि आपकी बिजली, आपका पानी, आपकी शिक्षा, आपका स्वास्थ्य, अस्पताल, दवा, दवा, टेस्ट, अस्पताल में सर्जरी, तीर्थ यात्रा, महिलाओं की, ये वो तब तक जारी रहेगी जब तक केजरीवाल है। अगर उनको वोट दिया तो वो तो साफ साफ कह रहे हैं भाई हम इसके खिलाफ हैं, आए तो इसको बंद कर देंगे सबको। तो अगले 5 साल जारी रहेगी आम आदमी पार्टी की सरकार। आप काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, लेकिन ओपिनियन पोल भी कमोबेश ऐसी स्थिति बता रहे हैं। अब क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी कोई और कदम या ईवीएम जो है अब वो ठीक है इस तरीके इस चीज को लेकर? हम अपना प्रयास कर सकते हैं, जनता अपना प्रयास कर सकती है। जो भी सिस्टम के अंदर की खामियां हैं उसको ठीक कराने के लिए संघर्ष जारी रहेगा, लेकिन जब तक वो ठीक नहीं होती इसी सिस्टम के अंदर हमें लड़ना होगा। हम तो कर रहे हैं, नहीं हम तो क्या, दिल्ली की जनता चाहती है कि फुल स्टेटहुड मिले, इट इज नॉट केजरीवाल्स डिमांड। दिल्ली की जनता चाहती है कि फुल स्टेटहुड मिले ताकि दिल्ली के अंदर एक ही सरकार हो। मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज जो हैं वो किसी के भी हक में नहीं है। आपका सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण मैं आपको देता हूं, जो आप आरोप मेरे ऊपर लगाते हैं कि पिछले 1 साल से काम क्यों हो रहा है, उसके पहले सारी फाइलें एलजी साहब के पास जाया करती थी, वहां फाइलें अटक जाती थी,
पॉलिटिकल रीजंस की वजह से अटक जाती थी, मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनाने दिए, सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाने दिए। जब हमारे पास पावर आई, एकदम से सारे मोहल्ला क्लिनिक बनने लग गए, एकदम से सारे सीसीटीवी कैमरे लगने लग गए। तो अगर एक पार्टी की सरकार होगी, सारी ताकत एक पार्टी, जिसको जनता चुनती है, आज हमें चुन रही है, कल किसी और पार्टी को हो सकता चुनेगी, आने वाले समय में 5 साल में 10 साल में जिस भी पार्टी की सरकार बने, जिसको जनता चुने, जनतंत्र में सारी शक्तियां उसके पास काम करने की होनी चाहिए, जो अभी नहीं है। ये सिस्टम ऑफ गवर्नेंस ना तो देश के लिए अच्छा है, ना राजधानी के लिए, ना लोगों के लिए। दिल्ली की जनता इस बार काम पे वोट दे रही है और किसी मुद्दे पे वोट नहीं दे रही है, बाकी सारे मुद्दे उनके लिए मीनिंगलेस हैं। आप तो खुद ही गली गली में जाके बात करते हैं, तो जनता जो है केवल और केवल दिल्ली के कोने कोने के अंदर दिल्ली की जनता इस बार केवल काम की बात कर रही है। ये भी भारत के इतिहास में शायद पहली बार हो रहा है कि कोई ऐसी सरकार है 5 साल के बाद नेगेटिविटी होने के बावजूद। मैं तो कई बार ये सोचता हूं कि 5 साल सरकार चलाने के बाद किसी सरकार की नेगेटिविटी कैसे हो सकती है। इतने मौके देती है सरकार आपको काम करने के लिए, अगर आप 5 साल में सारे रिसोर्सेस के साथ, सारी ताकतों के साथ जनता का काम ना कर पाए, ऐसा कैसे हो सकता है। हम तो ये सोच रहे हैं, हमने एक टर्म के अंदर इतना काम किया, इतना काम किया, जनता आज हमारे काम की तारीफ कर रही है। थैंक यू सो मच। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब